just wanna go back, try to make it all undone. So we didn't have to hurt this bad. I don't say goodbye, I don't do this though. Don't go, don't go, don't go, oh, oh, you should know why. Hey guys, good afternoon. So today is 27th of December and it is our cute second birthday. Birthday girl is little down since morning. We are yet to find the reason out, but now in the afternoon we are going to that pet friendly cafe that I spoke to you guys about, and I will definitely share the details. So let us reach first. I spoke to the owner once on Friday, and he asked me to give him a call half an hour before coming, but now when I'm calling the phone is not getting connected. So let's see, once we reach, dekhte hai ki jaake jagah milta hai ki nahi. Bahut sare factors hai, but kyun hamari ek pretty si sweater mein ready hui hai, ekdam pink color mein, aur kyun ka birthday dress nahi hai ye, birthday gown वो शाम को पहनेगी जब हम घर आ जाएंगे. और डेकोरेशन भी हो गया है जैसे आपने शुरुआत में देख लिया, और हमारी फ्लरू के लिए भी हमने ये नया स्वेटर लिया है, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी हम खरीदते हैं वो एक नहीं खरीदते हैं, हमेशा दो आता है. तो फ्लरी का स्वेटर भी बहुत ही क्यूट है ना मामा, एंड दोनों ने सेम क्लिप, सेम ये मैं लास्ट वीक न्यू मार्केट गई थी वहाँ से लेके आई हूँ. तो चलते हैं कैफे. कैफे में हमारे साथ आज आप मिलेंगे इससे, जिनसे पहले कभी नहीं मिले हैं. ही इज प्रयाश. एंड प्रयाश, तुम कौन हो? नेफ्यू करेक्ट. सो मैं प्रयाश की मासी हूँ, पर वो मुझे बेबा बुलाता है, तो वो अभी आया है. वो लोग दीदी आ गई है इंडिया, तो प्रयाश कल से हमारे घर में है. रात को घर गया था, फिर से आ गया है, तो दो दिन बहुत मस्ती किए है हम. और भी एक जन है जिसके बारे में सबने पूछा था, बुम्बा कहाँ है, बुम्बा कहाँ है, तो बुम्बा यहाँ पे है. Hello, जो बैंगलोर के बाद बिल्कुल गुल हो गया था, है ना, गायब हो गया था. बोला था कि वीडियो करके क्लिप बना के भेजेगा. वो भेजूंगा, नहीं किया. मैं भेजूंगा, वो ऑन प्रोसेस है. तो कियारा के बर्थडे पे हम सब साथ में है, और अभी निकल रहे है फिलहाल कैफे के लिए. आप लोग भी साथ चले. Finally at the cafe, and this is called Cafe Wong in Kalikapur Road, very close to Obhishikta apartment. अगर कोलकाता के लोग आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन कर दूंगी. काफ़ी फेमस कैफ़े है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, फूडीज लोगों को तो पता होगा ही. इस कैफ़े के पीछे एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ के ओनर का. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जोश टॉक का एक एपिसोड ऑफ मिस्टर अमित हालदार. उनका एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इस कैफ़े के पीछे, जो हम जैसे फूडीज को बहुत इंस्पायर करता है. एक्चुअली पेट फ्रेंडली कैफे, यहाँ पे पेट को लिश पे रखने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे आपने देखा कि फ्लरी और कियारा का पूरा खुला छूट है यहाँ पे, और आज और कोई नहीं है हमारे अलावा, तो हम पूरा फायदा उठा रहे हैं उसका, स्पेशली फ्लरी एंड कियारा. Come and behold him on the king of
कियारा ने अभी इतना धुआं मचाया है, एक और डॉगी आया था उसको तो यहाँ बैठने नहीं दिया और इतना पागल किया है कि खुद थक गई है। ट्रिटी भी बहुत सारा मिला है बट उसके बाद ये रूप भी देखने को मिला है सबको किया रखा। अब तक तो बड़े क्यूट कर रहे थे सब बट इतना बार किया सबको पागल कर दिया। फिनिश देयर कैपुचिनो, आई एम वेटिंग फॉर माई कटिंग चाय एंड दिस वन हैड कोल्ड कॉफी। मामा आर यू एंजॉयिंग बेबी, आर यू एंजॉयिंग कुछ बच्चा? हम लोग आ गए हैं कैफे से घर वापस और हमने तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खाए हैं बट यहाँ पे अभी बर्थडे डिनर प्रिपेयर हो रहा है। तो बर्थडे डिनर में आज क्या मिल रहा है क्यू क्यू को? बासा फिले बॉइल्ड, उसके साथ पम्पकिन एंड बीन्स। इसको भी मिल रहा है, इसको भी फोकट में बोनू क्यों क्या फिशी के खाबे क्यू लव्स फिश। तो आज उसको फिश मिल रहा है और फ्लरी को भूख लग गया है एक्चुअली, तो इसलिए पहले दोनों को खाना खिलाते हैं उसके बाद यहाँ पे बर्थडे ड्रेस पहन के होगा थोड़ा सा फोटो सेशन। अब कियारा के लिए मैंने बर्थडे केक इस बार बाहर से ऑर्डर किया था बट एक्सपीरियंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है वो मैं बताती हूँ, पहले दोनों खाना खा ले। बर्थडे में फ्लरी के लिए भी सेम गाउन आया है, फ्लरी का रेड कलर में एंड क्यू क्यू का मल्टी कलर में, है ना बाबू? कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और ये है सारे क्यू क्यू के बर्थडे गिफ्ट और दो जो था वो जो स्वेटर पहन के दोनों कैफे गए थे आज वो मैंने धोने के लिए दे दिया। और ये है दो टॉयज जो सोमाद्युति मिमी ने दिया था वो आज क्यू को मिला है, एक फ्लरू को भी मिलेगा, एक फ्लरू के लिए भी है हाँ। और उसके साथ एक बड़ा सा डब्बा ट्रीटी का, इसे क्यू को बहुत पसंद है। तो ये था हमारा बर्थडे का प्रिपरेशन और अच्छा होता अगर जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो भी आ जाता। और इस बार मैंने केक के लिए एक महीने पहले से प्रिपरेशन लिया था, ऑर्डर कहाँ पे देना है, कौन सा केक देना है, सब कुछ डिसाइडेड था। बट बर्थडे के एक नाइट पहले वो भी थ्रू व्हाट्सएप मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि जो बनाएंगे उसको फीवर है। आई ऑर्डर दिस केक फ्रॉम दी पेट इन कोलकाता, वो प्रिजर्वेटिव फ्री, ग्लूटेन फ्री, आर्टिफिशियल कलरलेस केक्स बनाती है, तो मुझे लगा कि यहाँ से ऑर्डर करते हैं और मेरे घर के पास भी था तो सब कुछ हो गया था, एडवांस पेमेंट भी हो गया था। बट शी आस्क्ड मी टू प्लेस द ऑर्डर वन वीक बिफोर, एटलीस्ट वन वीक बिफोर, बट उसने कैंसिल कर दिया एक रात पहले। तब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ऐसे भी कलकत्ता में जो पेट्स के लिए केक बेक करते हैं ऐसे लोग कम हैं और ऊपर से एक रात पहले कोई भी ऑर्डर नहीं लेगा, वो प्लान ख़राब हो गया। वेरी अनप्रोफेशनल एंड नॉट एक्सपेक्टेड कि किसी का बर्थडे का केक ऑर्डर लेकर आप एक रात पहले कैंसिल कर दो, जब आपको पता है कि ऐसे भी बहुत सारे बेकर्स नहीं, हमारे बर्थडे होते तो कोई बात नहीं, कोई भी दुकान में जाओ एक केक उठा के ला के आओ। बट चलो क्या करेंगे, जो है उसी से हमने काम चलाया। तब हमने कैफे का प्लान बनाया कि क्यू को लेके कहीं जाते हैं एंड
टचवुड क्यू ने कैफे पे बहुत एंजॉय किया, जो मैं बोल रही थी कि क्यू बहुत डाउन थी। जब वो घर पे भी आई ना तो मुझे लगा कि उसमें एक हैप्पीनेस आ गया है कि कैफे में जो मस्ती उस वो करके आई है उसके वजह से घर में आके वो हैप्पीनेस कंटिन्यू था। बट अभी वो बहुत टायर्ड हो गई है क्योंकि वहाँ पे उसने बहुत भौंका है भागा है एंड द कैफे ओनर एंड हिज वाइफ दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है हम सब ने। इसने खाना बहुत अच्छा था और आज डिनर भी अच्छा मिला है वाली क्यू क्यू को मिला है क्यू क्यू को मिला। अच्छा और ये जो सारे गिफ्ट आइटम्स में मैंने इनके लिए कुछ विंटर वेयर लिया है उसका मैं एक अलग सा हॉल बनाऊंगी और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि यू गाइस विल बी एंशियस टू नो ये कहाँ से लिया है वो कहाँ से लिया है। तो कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए वो लिंक्स और वीडियोस तो मैं जरूर एक हॉल वीडियो अलग से शूट करूंगी। ट्राई ऑन हॉल है ना होगा ना ट्राई ऑन हॉल होगा ना उसको नींद आ गई नींद आ गया तभी हमारी क्यू सो जाएगी और फ्लरी तो पहले ही बलून के डर से भाग गई है। सो इसके साथ ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप दैट यू गाइस एंजॉय इन केस यू हैव हिट द लाइक बटन शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डिड सो टेक केयर स्टे हैप्पी बाय।